अदाब, मैं मोहम्मद तौसीफ आज आरएमएल के अंदर से आप लोगों को कुछ सच्चाई दिखाना चाहता हूँ दिल्ली सरकार की। जो दिल्ली सरकार का सीएम केजरीवाल जो अपने आपको बड़े बड़े वादे करते हैं कि एलएनजेपी हो क्या ऑल इंडिया मेडिकल हो आरएमएल हो, मैं आज सैटरडे मॉर्निंग के अंदर अपनी एकदम मदर को यहाँ पे लाके एडमिट कराया और 24 घंटे के अंदर इन लोगों ने मार दिया और कह रहा हमने मारा है और हमें कह रहा सीएम दिल्ली केजरीवाल का हुक्म है। वो कहता हमें दिल्ली का हुक्म है मार दो, कोई टेंशन नहीं है, आबादी ज्यादा है, हम लोगों मारने मारने का हुक्म देगा, गाइडलाइन आ चुकी है, ना एक सुनने को कुछ तैयार है। अब डॉक्टर क्या कहते हैं हमसे मास्क हटा दें, ग्लूकोज हटा दें, हमारे पास इलाज करने का टाइम नहीं है, कोरोना का टाइम चल गया, हम दूर दूर से देख रहे हैं और माइक पे लेके बोल रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, दूर से फेंक के दे रहे हैं, वे टॉकिंग बहुत बदतमीजी गाली गलौज कर रही है। मैं आप सब लोग को दिल्ली वालों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दिल्ली में इतना बुरा हाल है, जो दिल्ली के सीएम अपने आपको कहते हैं 20-20 लाख रुपए का इलाज फ्री, 20 रुपए का इलाज फ्री नहीं है और सब यहाँ पर एक सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट सब एक हो गए, सब हरामी पन पे उतरे हुए, पूरी सब हरामी है। आप देख सकते हैं इन्होंने मेरी मदर को मार दिया है, मेरी मदर को आज इन्होंने मार दिया है। मैं 7 बजे सही सलामत देख के गया हूँ, मेरे से बात हुई है, उन्होंने मेरे से हाय हेलो करी है, लेकिन इन्होंने बाद में मेरे जाने के बाद 1 घंटे के अंदर उनके अंदर इंजेक्शन दे दिया पॉइजन का और वो उनको खल्लास कर दिया और ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे काम रोजाना सुबह से लेकर रात तक कितनी बॉडी डेड बॉडी देख चुका हूँ मैं 24 घंटे के अंदर। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि मेरा साथ दें, ये आवाज दिल्ली सरकार के सीएम जो सिर्फ बातों के धनी है करने को तैयार नहीं है, ये वहां तक पहुंचाओ और ये वीडियो मेरी हर जगह जानी चाहिए।